सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में मैं मृणाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सोयाबीन के खेत में आई हूँ और आज हम सोयाबीन फसल के बारे में बात करने वाले हैं। सोयाबीन इस 21वीं सदी की सबसे अधिक होने वाली फसल है, जो कि सभी तिलहनी फसलों में आज प्रमुख स्थान पर है। भारत में सोयाबीन के व्यावसायिक खेती की शुरुआत 1970 के दशक के दौरान हुई थी। इन 50 वर्षों में सोयाबीन ने क्षेत्र और उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है। मध्य भारत जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के किसानों ने इसमें खास रुचि दिखाई और उन्हें इनका लाभ भी मिला। मध्य भारत के किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में सोयाबीन का बहुत योगदान रहा है और इन मध्य भारत के किसानों के लिए सोयाबीन गोल्ड बीन कहलाई है। सोयाबीन को गोल्ड बीन कहने के कुछ कारण है, जैसे कि सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तेल देने वाली फलीदार फसल है। सोयाबीन में 18-20% तेल होता है। भारत देश में उत्पादित वनस्पति तेल में सोयाबीन का योगदान 25% है। सोयाबीन हमें 40% प्रोटीन देता है। सोयाबीन की उत्पादकता अन्य फलियों की तुलना में अधिक है, इसलिए सोयाबीन को गोल्ड बीन कहा जाता है। सोयाबीन एक फलीदार फसल होने के कारण यह प्रति हेक्टर लगभग 60 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है और मिट्टी में लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन को शामिल करता है, जो उर्वरक अर्थव्यवस्था के लिए अग्रणी फसल में उपलब्ध होता है। इस सोयाबीन फसल में किसानों के लिए सबसे नुकसानदायी कोई है तो वो है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण न होने पर सोयाबीन की उपज 70% तक कम हो जाती है। मेरे इस सोयाबीन खरपतवार नियंत्रण वीडियो सीरीज में हम इस संबंधित सभी जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज में आप सीखेंगे कि खरपतवार का नियंत्रण क्यों आवश्यक है, खरपतवार के विभिन्न प्रकार और प्रजाति आप समझेंगे और रासायनिक खरपतवार नाशक का शास्त्रीय उपयोग कैसे करना है उसे भी समझेंगे और रासायनिक खरपतवार नाशक कैसे कार्य करते हैं उसे भी समझेंगे। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप इस सीरीज को अंत तक देखिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादातर किसान भाइयों को शेयर करिए।